कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। संगी हो छत्तीसगढ़ के जम्मू किस्म के जिन माटी है बहुत ही उपजाऊ है, प्रमुख फसल प्रमुख खाद्यान्न के बात करथन तो भाई हमन धान के फसल लेथन, लेकिन छोटे छोटे बारी है कोला है खेत के पार है या फिर निथार वाले भुइयां में हमर किसान भाई मन अच्छा उन्नत तकनीक ला अपना के रमकेरिया जिला हमन भिंडी कथन एकर खेती करही तो निश्चित रूप ले आठों काल बारह महीना उखर हाथ हरियर रही। आज हम आप मल्ला भिंडी के वैज्ञानिक खेती के बारे में बढ़िया विस्तार ले जानकारी दिखावो, लेकिन सबसे पहले आप मल्ला दिखातन ये खास खबर ला। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें उनकी मंशा है कि गांव के प्रत्येक किसानों को जो कृषि करते हैं उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत आपके खेतों के मिट्टी की जांच करके उसमें जो पोषक तत्व जो पौधों को ज़रूरत होता है उसकी मात्रा उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में बताई जाती है। चूँकि आप सभी को मालूम है कि फसलों के लिए पोषक तत्व जो आप खाद के रूप में देते हैं उसकी महत्ता कितनी है, तो उसकी मात्रा अगर आपको पता होगी तो ही आप बैलेंस खाद बैलेंस डाइट जैसे हम लोग संतुलित भोजन लेते हैं उस तरह आप खादों का प्रयोग अपने खेतों में फसलों के लिए करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है खेती की जो लागत है वो कम होगी और आप सबसे बड़ी बात यह है भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहेगी। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे खुशियां फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का
फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद स्वागत कथन कार्यक्रम के देखिया जम्मू किसान भाई बहनी मन के संगी हो। हम आप मल्ला पहले कह रहे हैं कि आप मल्ला भिंडी के वैज्ञानिक खेती के बारे में बढ़िया जानकारी दिखावो के फिर बात करथन खेती किसानी के बारी कोला के। तो हमर घर में जिन हमार नारी शक्ति है, हमार दीदी है, हमार बहनी है, हमार दाई है, इखर बिना हमार खेती किसानी के बूता बिल्कुल नहीं हो सके। और हमार खेती किसानी के बूता में पूरा पूरा इखर सहयोग मिलते। हमार दीदी बहनी मन किसानी के बूता ल करके या कहीं के पूरा हमार भारतवर्ष में पूरा पूरा हमार सहयोग करते खेती किसानी के बूता में। हमार बीच में है कीर्ति बहनी मन जो मन बहुत अच्छा ढंग ले किसानी के बूता करते। दीदी राम राम। और ये दीदी मन है मंजू दीदी जी मन बहुत अच्छा ढंग ले अपन खेती किसानी के बूता करते। राम राम दीदी, राम राम दीदी। अब हमला ये बताओ आप मन रमकेरिया के खेती करे हो, कते दिन हो गए आप रमकेरिया के खेती करत दीदी? यही 2 महीना हो गए। अच्छा, हमला ये बताओ खेत की तैयारी आप मन कैसे करते हो? पहली जोताई करें, जोताई करके ओखर बाद ढेला कुचरें। ढेला कुचर के ओखर बाद बीजा लगाएं। तो कौन कौन किस्म के माटी में खेती बढ़िया होते? इमा कन्हार में बढ़िया होती, और मतासी में तो नहीं हो, कन्हार में होते। बीजा उजा लगा के उल जतन भाव कर थान। अच्छा, छोटे खातू दे थान डीपी चोवा। ओखर बाद कुकरी खातू डालें। अच्छा, तो ये कुकरी खातू डाले के सलाह ला आप लोग कौन दीज? मतलब मालिक बताइस कुकरी खातू डालो, किसान आए दे तू मना हो बता हो तो उल कोड़ के डाले हन, दबा हन पेड़ पेड़ तीर में। किसान भाई हो आप सब जानत हो भिंडी के खेती करे जाए तो निथार वाले भूया में करे जाए, और छत्तीसगढ़ के जहाँ तक बात करी जम्मू किस्म के माटी चाहे कन्हार माटी हो, डोरसा कन्हार हो कि कचरी भूया हो, ये जम्मू किस्म के खेत में एक खेती करे जा सकते। प्रमुख बात आते कि हमन खेत की तैयारी कौन ढंग करन, खेत की तैयारी करत घनी छोट छोट बात के अगर चेत करत हन तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा हुई। दीदी हमें बतावा जिन घनी आप मन खेत ला जोत था वो घनी आप मन का बात के चेत कर था? जोताई करके मांदा खीसन। हाँ, मांदा खीस के सब काड़ी कुटी ढेला पखरा रिथे तेल बराबर करथन। हाँ, बराबर करके ओला चाल के लगाथन बीजा। अच्छा अच्छा, ये बताओ जिन बीजा आप मन रमकेरिया के लगाथन के बता था दीदी, एला आप मन कहाँ ला था? धमधाले, धमधा के बाजार ला था। हाँ, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन के सहयोग मिलते आप ला? हाँ। अच्छा, हमार किसान भाई मन जाना थे जिन घनी खेत की तैयारी करी उस समय जैविक खातु के रूप में अगर गोबर के अच्छा सड़े खातु है वाला 200-250 क्विंटल हेक्टर पाछू हमारे किसान भाई मन माटी में मिझार देते तो निश्चित रूप से जम्मू किस्म के पोषक तत्व हमार रमकेरिया के फसल मिलते थे। बात करथन कि भाई जिन रमकेरिया इमन लगा है तिखर इमन देख रेख कैसे करते? दीदी हमें बताओ जिन आप मन रमकेरिया लगा हो और जामगिछ जामित तो कर संगे संकत को किस्म के बंद खाद घरों जामत हुई? हाँ, जानते बोला निंदाई कोड़ाई खोदाई करके साफ सफाई कर थान। हाँ। कीरा कांटा रही थे तो दवाई छिटते। अच्छा, तो का बंद होते आप मन के रमकेरिया के खेत में? ये सब नरजेवा सामा और सोल और चुनचुनिया उनचुनिया। हाँ। 12 प्रकार के होते। अच्छा, ये जो आप मन रमकेरिया के फसल ले है ये मक्का पे निंदे पड़ते दीदी? इला 4-5। हाँ। ये तीसरिया निंदाई हो गए। हाँ। अब एक बार और निंदबू। अच्छा। हाँ। तो हमला बता दे रमकेरिया के खेती के आप बात करत हो और निंदाई कोड़ाई के बात करत हो, अगर इला नहीं निंदबो तो हमारे फसल में का प्रभाव पड़ी? उमा कीड़ा लगी, कीला लगी जाला पर ही। हाँ। वो गुम फर है गोमहा गोमहा। हाँ। कढ़ा कढ़ा कोकवा। अच्छा। हाँ। एला जन पोषक तत्व तो आहार मिलना चाहिए। हाँ। ते नहीं मिल पाए कि नहीं मिल पाए। हाँ, हाँ। किसान भाई हो आप सब जानत हो कि माटी हम मेहनत कर मांगते और मेहनत करते हमार किसान भाई मन। फिर हमार दीदी बहनी मन के जहाँ तक बात करबो हर किसान के जिसे अलग अलग खेती किसानी के अनुभव होते उसने हमार दीदी बहनी मन के घलो अनुभव हा खेती किसानी में अलग अलग होते। ये दीदी घलो मन जिकर हम पहले आप मन कर परिचय कराए बहुत अच्छा ढंग ले रमकेरिया के फसल में अपन सहयोग देवे थे। आप मन कते कन खेती में रमकेरिया लगाया? 1 एकड़ में। अच्छा, तो ये रमकेरिया के खेती करे बार आप मन कैसे खेत की तैयारी कर बहनी? जोताई करें पहली, ओकर बाद मांदा खींचे हैं, ढेला फोड़े हैं, कचड़ा उचड़ा साफ करे हैं, उसके बाद बीजा डाला। अच्छा, तो जिन बीजा आप मन डाले हो
तेकर बाद जामी ओकर बाद निंदाई गुड़ाई घलक रहो जामे एक बाद में निंदाई कोड़ाई करें पहले चोवा डाले हैं तब निंदाई करे हैं मन अच्छा, उसके बाद दवाई बरसात के मौसम घलो आ गए है ना भाई तो ये घनी आप मन का बात के चेत करता पानी नहीं डालन ज्यादा अच्छा खातू ज्यादा डालता मन तो होते बहनी आप करा गोठियाते रहते निश्चित के निश्चित रूप ले आप मन के देह जानकारी ले हमार कार्यक्रम के देखिए संगवारी मन फायदा उठाई आज हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम आया एतेक सुखर जानकारी दे आपके बहुत बहुत धन्यवाद राम 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 तो संगी हो हमार दीदी बहनी मन कोन ढंग ले आज रमकेरिया के खेती करके भिंडी के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ले सुधारिन हे एला आप मन देखे हो हम तो यही कहना चाहथन यदि आप भिंडी के खेती करना चाहत हो तो 3 ले 4 बाँह खेत लच्छा जोत लो और पानी निकासी के समुचित व्यवस्था कर ले तो निश्चित रूप से बिजाई करे के बाद अच्छा ओकर अंकुरण हो ही और अच्छा ढंग से देख रेख करबो तो हमारे खेती किसानी के व्यवस्था बढ़िया हो ले ही तो हमारे किसान भाई मन के फसल घलो अच्छा होई और फसल जब हमारे किसान भाई मन के बढ़िया होई तो निश्चित है हमारे किसान भाई मन ओला देख के गुनगुनाए रही कोनी डोंगेरी मारे कोनी पहरी मना तहा लकड़ी बिनत हो बेजी अब आप मन कहत हो भाई कि मैं हाँ गीत गाऊँ का मैं नहीं हमार कलाकार मन आप मन ला सुघर सुघर गीत सुनाए बर बढ़िया दे बैठे हैं जुड़े रहो हमार कार्यक्रम ले नाचत हावय मंजूर कैसे झल मल झले मल नाचत हावय मंजूर कैसे झल मल झले मल ताड़ी झुमरे मोहा फुल के ताड़ी झुमरे सलपी हा मन भावे रे विकट जंगल नाचत हावे मंजूर कैसे झल मन झले मल नाचत हावे मंजूर कैसे झल मन झले हाँ भाई ये गीत ल देखे के बाद तो भाई हमर मन झुमर गए आपो मन झुमर गए हो काबर नहीं झुमरिया भाई पढ़े लिखे संगवारी मन अगर खेती किसानी के बूता ल करही तो निश्चित रूप ले उत्पादन है अच्छा बढ़ी अब बात आते कि भाई नवा नवा उन्नत तकनीक नवा नवा जानकारी वैज्ञानिक तकनीक है आज हमर किसानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा वरदान साबित हो है आज हमर बीच जगन्नाथ सिंह नाटिया ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन उपस्थित है जी मन तो पूछबो के वैज्ञानिक ढंग ले रमकेरिया के खेती हमारे किसान भाई मन कौन ढंग करे सर आप आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है राम राम आज देखो तो पूरा देश में वैज्ञानिक खेती के चर्चा चलत है कतको जी किसान भाई मन एला अपनाए गलो है खास करके भिंडी के खेती के बात करबो तो एक वैज्ञानिक खेती करे बर हमारे किसान भाई मन कैसे शुरू कर सकत है सबसे पहले तो किसान भाई को चाहिए कि जहाँ पर वो भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो उस खेत का जो भौतिक संरचना है जो गुणवत्ता है उस मिट्टी का भली भांति जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए इसके पहले किसान भाई उस खेत का मिट्टी निकाल करके परीक्षण के लिए भेजे और परीक्षण उपरांत कोई भी फसल में कितनी मात्रा में कौन सा तत्व देना है इसकी जानकारी जब उसको हो जाएगा तब वो अगर खेती करता है तो
कम लागत में अच्छा उत्पादन ले सकता है। तो अब बात है भिंडी की खेती, तो भिंडी की खेती सभी प्रकार की जमीन, चाहे वो कन्हार भूमि हो, चाहे मटासी हो, डोरसा हो, जहाँ जल की अच्छी निकास हो, भिंडी खेती सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किसान भाइयों को चाहिए कि भिंडी लगाने से पूर्व उस खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करके लेबल कर लेना चाहिए, पाटा चला के लेबल कर लेना चाहिए और मादा तैयार कर लेना चाहिए। मादा तैयार करते समय किसान भाइयों को मादा की दूरी 150 सेंटीमीटर लगभग 150 सेंटीमीटर रखना चाहिए और मादा तैयार करते समय ही किसान भाई चाहे तो पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध है तो उनके पास गोबर की खाद, मुर्गी खाद मिट्टी में मिला दे, मादा में दबा दे और जो नाइट्रोजन और स्फूर युक्त जो खाद है, नाइट्रोजन का 1/3 मात्रा और स्फूर की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय ही खेत में दे देना चाहिए। मादा तैयार करने के बाद अच्छे किस्म का चयन किया हुआ बीज जिसमें भिंडी में माहिको का 10 नंबर और माहिको का 63, सिजेंटा कंपनी का और सम्राट जैसे ये जो प्रचलित किस्म है जो अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, ऐसे वैरायटी का चयन करके मादा में बीज की बुआई कर देना चाहिए। अच्छा, प्रमुख बात आते किसान भाई हो, जिन बीजा के चुनाव हम करें हैं वह स्वस्थ हवा के नहीं, पुष्ट हवा के नहीं, ओला उपचारित करें के नहीं, एक बारे में जानना बहुत जरूरी है। नाटिया साहब मनकर पूछा था कि भिंडी के बीज ला उपचारित करना जरूरी है का, साहब भाई बतावा। वैज्ञानिक चर्चा चला थे भिंडी के खेती के, तो कहे जाते कि जैसे बीज वैसे उत्पादन, एक बीज ला उपचारित करना जरूरी का साहब? बहुत जरूरी है, चाहे भिंडी का बीज हो, चाहे कोई भी फसल का, चाहे वो अनाज वाली फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, बीज लगाने के पहले सभी प्रकार के बीज को विधिवत उपचार करके ही बुआई करना चाहिए, क्योंकि बिना उपचार किए गए बीज को अगर हम बुआई कर देते हैं तो तरह तरह के उसमें बीज जनित बीमारी, मिट्टी जनित बीमारी के प्रकोप होता रहता है, उससे ना शुरू से आखिरी तक किसान को कई तरह की कीट व्याधि का सामना करना पड़ता है। उसमें कीट व्याधि को रोकथाम के लिए तरह तरह का कीटनाशक औषधि का छिड़काव करता है जिससे लागत ज़्यादा आता है और उत्पादन की तुलना उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उत्पादन पीछे रह जाता है, जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। अच्छा। तो भिंडी की बुआई करते समय या भिंडी को अपन सीधे से मादा में जैसे लगाएंगे तो उस समय जो थायरम जो बीजोपचार दवा है वो 5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके मादा में बीज की बुआई कर देना चाहिए। बीज बुआई करते समय जो पौधे से पौधे की दूरी है वो 1 फीट 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, प्रमुख बात आते हैं जिन खेत में हमन भिंडी लगाथन वहाँ पानी निकासी के व्यवस्था करना है कि नहीं, ये बात की चेत करना बहुत जरूरी है। नाटिया साहब बताओ, जिन खेत में हम भिंडी लगाथन वहाँ पानी निकासी के व्यवस्था करना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है जल निकास के लिए। मादा तैयार करते समय ही किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए कि वो न इस तरह का मादा तैयार करें कि अचानक अगर बरसात होता है तो पानी का जो निकासी है वो आसानी से हो सके, इस तरह का वो मादा तैयार करें या पानी एक जगह स्टोर ना हो पाए। अच्छा। और पानी की जो सिंचाई है वो सीधे ना मादा के ये नालियों में मत रुके सिंचाई करते समय, और सिंचाई भी ना नालियों के द्वारा दिया जा सकता है। और जिन किसान भाइयों के पास अगर टपक सिंचाई प्रणाली है, ड्रिप है, तो ड्रिप के माध्यम से भी सिंचाई दे सकते हैं और ड्रिप के माध्यम से अनेकों प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसको भी ड्रिप के द्वारा दिया जा सकता है जिससे भरपूर पोषण आहार पौधे को मिलेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। किसान भाई हो, आप सब जानत हो, नाटिया साहब मन बताई है कि उमन जिन खेत में
रमकेरिया लगाथन पानी निकासी के समुचित व्यवस्था कर ले काबर के अगर उमर नहीं करी व्यवस्था तो कतको किस्म के जलजन्य बीमारी बगरे के डर रहते। अब बात आते कि जिन हमन रमकेरिया के बिजाई कर चुके हैं उखर प्रारंभिक तौर में वैज्ञानिक ढंग ने देख रहे कैसे करी के साहब बतावा जिससे कि बिजाई हो गए पौधा जाम गए उखर बाद प्रमुख रूप ला बात है कि पौध संरक्षण के काम हमारे किसान भाई बहन कैसे करें। जी बीज लगाने के बाद अब सिंचाई की व्यवस्था किसान भाई को बराबर न खेत की नमी देख करके 7 दिन में 10 दिन में सिंचाई करते रहना चाहिए। इसी बीच में जब पौधे की जो बढ़वार है वो 10 से 15 सेंटीमीटर जब हो जाता है तो तरह तरह के कीट व्याधि का अटैक शुरू हो जाता है। उस समय जो वायरस है वायरस का भी अटैक शुरू हो जाता है, वायरस फैलने लगता है। तो जहाँ जैसे वायरस फैलता है पौधे में किसान भाइयों को चाहिए कि बराबर सतत निगरानी में रखे। वायरस का प्रकोप जैसे दिखे, वायरस का प्रकोप वायरस का अटैक होने से पौधे का जो पत्ते का कलर है वो पीलापन गहरा पीलापन होने लगता है और वो धीरे धीरे एक पौधे से दूसरे पौधे और एक पत्ते से दूसरे पत्ते में फैलने लगता है। ऐसा लक्षण जैसे ही किसान भाइयों को दिखे तत्काल उस पौधे को निकाल करके जमीन के नीचे गड़ा दे या खेत के बाहर में फेंक दे। और अगर इसके अलावा वो हमेशा निगरानी में रखे और अगर प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है तो दवाइयों का छिड़काव करे, समय रहते दवाइयों का छिड़काव करके ऐसी बीमारियों का रोकथाम किया जा सकता है। इसके बाद जब पौधा और किसान भाइयों को चाहिए कि इस बीच में बीमारी के ज़्यादा लक्षण दिखता है तो किसान भाइयों को चाहिए कि सबसे अगर पौधे को स्वस्थ और अच्छा उत्पादन लेना है तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो नीम आधारित जो दवाइयां हैं इसका छिड़काव किसान भाइयों को लगा जब प्रारंभिक अवस्था में जब मतलब 10 से 15 सेंटीमीटर के पौधे हो जाए उसकी बढ़वार हो जाए उस समय एक बार नीम आधारित दवाई का छिड़काव कर दें और वो 15 दिन बाद फिर उसी दवा का हाँ पुनरावृत्ति कर दें। ऐसा करने से बहुत कीट व्याधि के प्रकोप से रोकथाम किया जा सकता है। जात जात हमने बता देवा भिंडी के खेती में जिन कीड़ा लगते और लगातार हम जैविक खेती की चर्चा करते हैं किसान भाई मन करा तो का गोमूत्र घलो के छिड़काव कीट व्याधि पर कर सकते हैं सर? बहुत अच्छा है, गोमूत्र भी ना गोमूत्र भी कीट व्याधि का रोकथाम करता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर वो सब्जी की खेती कर रहे हैं तो सब्जी की खेती के लिए ज़्यादातर वो कोशिश करें गौमूत्र नीम आधारित तेल ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। नाटिया साहब आज हमारे कार्यक्रम के रमकेरिया के खेती के बारे में बहुत अच्छा बात बताया है। निश्चित रूप से ये भिंडी के खेती के देह जानकारी ले आप हमारे कार्यक्रम के देखिए संगवारी मल्ला अपन डर खींचे हो और हमारे संगवारी मन निश्चित रूप से एक फायदा उठाई। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। तो किसान भाई हो आप मन देखे ना कि जगन्नाथ प्रसाद नाटिया जी जिन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ने बहुत सुघर सुघर बात बताइन के खेत के तैयारी करत घनी और कीड़ा मकोड़ा ले पौधा कैसे बचाना है खास करके मन अपन बात रखिन कि जैविक कीटनाशक के छिड़काव कर सकते हैं। गौमूत्र अगर हम सब्जी फसल करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि गौमूत्र निश्चित रूप से हमारे किसान भाई के खेती पर वरदान होए उखर संरक्षण के बूता घलो आप मन कर सकत हो। अब आज के कार्यक्रम कैसे लगी चिट्ठी पत्र लिख के आप मन खचित बताऊ। हमार पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर है 492007। और एक संग महेंद्र साहूला दोविदा जय जोहार राम राम।